व्हाट्सएप पर एक न्यू अपडेट आई है, जिस अपडेट से आप लोग एक ही व्हाट्सएप में दो अलग अलग मोबाइल नंबर को लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहले दो सिम कार्ड हुआ करता था और आपको दो व्हाट्सएप चलानी है, तो इसके लिए आप लोग दो व्हाट्सएप को, जैसे कि यहाँ एक ये व्हाट्सएप रहा और एक ये व्हाट्सएप रहा, आप लोगों को दो व्हाट्सएप की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप वालों ने सिस्टम को हटा दिया है, यानी कि व्हाट्सएप पर आप लोग एक ही व्हाट्सएप में दो अलग अलग नंबर को लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए आपको डबल एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोग एक ही व्हाट्सएप में अलग अलग दो अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अलग अलग अकाउंट को लॉगिन करते हो, उसी प्रकार से आप लोग व्हाट्सएप में भी अलग अलग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक अकाउंट लॉगिन है, आप चलिए जानते हैं कि आप लोग इसमें दूसरा अकाउंट को कैसे लॉगिन करेंगे। दूसरा अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो थ्री डॉट मिलेगा हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट का, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला जो अकाउंट मेरे फोन में लॉगिन है उसका नंबर या नाम दिखा रहा है। अब मान लीजिए हमें दूसरा अकाउंट को लॉगिन करना है, तो दूसरा अकाउंट को लॉगिन करने के लिए देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड अकाउंट का ऑप्शन, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जिस दूसरे नंबर आपको यहाँ पर दूसरा नंबर डालना है जिस नंबर से आप लोग व्हाट्सअप को चलाना चाहते हो, और यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए सेंडिंग कोड पर आ रहा OTP आएगा, OTP को डालूंगा, यहाँ पर नंबर लॉगिन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग नंबर से मैंने यहाँ पे लॉगिन करा एक ही व्हाट्सएप एप्लीकेशन में। तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, सबसे पहले इस अकाउंट को हम लॉगिन होने देते हैं, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, और यहाँ से मैं स्किप करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या एडिंग अकाउंट, यानी कि यहाँ पे अकाउंट जो ऐड हो रहा है, और यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब देखिए इस व्हाट्सएप में कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब मान लीजिए आपको पहला वाला अकाउंट को लॉगिन करना है, तो पहला वाला अकाउंट को लॉगिन करने के लिए फिर से ऊपर वाले थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा जो पहले अकाउंट लॉगिन था। यानी कि जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पे आप लोग अलग अलग अकाउंट को लॉगिन करके चलाते थे, उसी प्रकार से अब यहाँ पे लोग व्हाट्सएप में भी अलग अलग अकाउंट को चला सकते हो। देखिए मैं फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया। और इस प्रकार से आप लोग एक ही व्हाट्सएप में दो अलग नंबर को लॉगिन कर सकते हो। और यदि आपको ये फीचर ना मिले तो आप लोग अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, ये फीचर आ जाएगा प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। और मान लीजिए आपको इसे हटाना है तो आप लोग इसे कैसे हटा सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आने के बाद यहाँ से फिर से अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा रिमूव अकाउंट का। पहले आता था ऐड अकाउंट का, अब आ रहा है यहाँ पे रिमूव अकाउंट का, तो हम लोग रिमूव अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप इस पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, और आप लोग चैट का बैकअप लेके रखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग चैट का बैकअप लेके रख सकते हो। और जब देखिए आप लोग अपना अकाउंट को रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए वो मोबाइल नंबर भी दिखेगा कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे रिमूव हो रहा, तो आप लोग यहाँ पे कन्फर्म हो लेना कि आपको कौन सा अकाउंट को यहाँ पे रिमूव करना है। और आप लोग इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से देखिए मैं रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं रिमूव करूँगा यहाँ से अकाउंट वहाँ पर ये हट जाएगा। और हटने के बाद देखिए मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए पहले स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंपल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, और मैं फिर से यहाँ पे जाके दूसरे अकाउंट को लिंक कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप लोग एक व्हाट्सएप में दो अलग अलग नंबर को लॉगिन कर सकते हो, और किसी नंबर को हटाना था तो आप लोग उसे हटा सकते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बस इतना ही रखते हैं, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ नीचे जरूर कमेंट करना।